जनाब चीफ जस्टिस साहब, जनाब इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब, और तमाम से मैं अपील करता हूँ अवाम बाला से कि खुदारा आप लोगों ने तमाम लोगों के साथ बहुत सारी रिलैक्सेशन दी, बहुत सारी कम्युनिटी को, बिज़नेस कम्युनिटी को ओपन कर दिया, मगर आपने जो हाल स्नूकर इंडस्ट्री से रिलेटेड लोगों का किया, आप ये सोच नहीं सकते। इतना ज़्यादा, इतनी जमाशी कत्ल, इतनी ज्यादतियाँ कि जो सर्विस प्रोवाइडर्स थे जिन्होंने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी, उन लोगों को भी जॉब्स दी जो अंडर मैट्रिक थे। 25-30 हज़ार खानदान मुंसलिक थे इस बिज़नेस के साथ, और आपने किस हालत पे लाके खड़ा कर दिया। आज ये वो मुकाम है कि वो जो जॉब दे रहे थे वो आज अपनी ज़िंदगी के लाले पर आ गए, अपने हालात के ऊपर आ गए हैं, और उनको लाले पड़ गए हैं कि आगे सर्वाइव किस तरह करें। क्योंकि चीफ जस्टिस साहब, जो आपने ऑर्डर पास किया था, पंजाब गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर दिया था, उसके मुताबिक 10 अप्रैल से लेके वो 10 जून को क्लोज़ हो जाएगा, और वो कंटिन्यू काइंडली मेहरबानी करें, इन लोगों के ऊपर एहसान करें। कोरोना की वजह से अगर लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, आपने तमाम इंडस्ट्रीज ओपन कर दी, इनके ऊपर आपने शफकत का हाथ नहीं रखा। कम अज़ कम इनके ऊपर, इनके साथ शफकत की जाए, और इनको कम अज़ कम इस ऑर्डर के तहत, इस ऑर्डर को कंटिन्यू किया जाए जब तक कोरोना की वजह से तमाम मार्केटें जो बंद हैं, जो अब तक बेचारे नहीं खोल सके, उनके सरों के ऊपर तलवार किराए की लटक गई है। और ये किराए की मद में करोड़ों रुपए का किराया इन लोगों के ऊपर पूरे पाकिस्तान में मकरूज हो गए हैं ये लोग, कि ये कहाँ से सर्वाइव करेंगे और बैक डेडलॉक किस तरह पूरा करेंगे। आपसे एक अपील करते हैं, इल्तजा करते हैं, इस चीज़ की हम्बल इल्तजा करते हैं कि खुदारा इस ऑर्डर को कंटिन्यू किया जाए, और इनके लिए एक रिलैक्सेशन ऑर्डर बनाया जाए जिसके बीच में जब इनका बिजनेस खुले तो करंट मंथ का किराया और 25% बैक डेट लॉक का जो किराया वो दिया जाए, जिससे ये लोग इजीली सरवाइव कर सके। ये वो इन्वेस्टर्स नहीं है, ये वो स्टॉकिस्ट नहीं है जो माल रख के बेचेंगे और सरवाइव कर जाएंगे, इन्होंने सर्विसेज दे के अर्न करना है। खुदारा इनके लिए रहम की अपील है, आप इनके लिए कुछ सोचें और इस ऑर्डर को कंटिन्यू करें। थैंक यू।